हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। स्वागत करते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो आज का ये ब्लॉग वीडियो हमारा थ्रेसर का होने वाला है, जो कि गेहूं का दौरी चल रहा है, अभी दौरी का सीज़न चल रहा है। तो सोचे कि चलो इसका भी एक ब्लॉग बना लिया जाए, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, एक और ख़ास बात, अगर किन्हीं भाई को प्रॉब्लम हो जिनके पास थ्रेसर है और उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उनको भी रिप्लाई दिया जाएगा। जैसे कितना आरपीएम पे चलाना है, चलनी को कितना पे बांधा जाए ताकि माल अच्छा से अच्छा निकाल सके, गेहूं काटे नहीं। बहुत सारे थ्रेसर में शिकायत होता है कि हमारा गेहूं को काट दे रहा है, तो काटने का बहुत सारा वजह होता है, तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। और भूसा के बारे में तो कहना ही नहीं पड़ता है, इसमें बहुत कम ऐसा थ्रेसर होता है हमारे, चूँकि गोविंद का थ्रेसर है, हवा डावा बोलते हैं इसको, और इसमें बहुत अच्छा भूसा होता है। बाय चांस अगर किसी का भूसा अच्छा नहीं निकाल पा रहा है थ्रेसर, तो उसका भी सॉल्यूशन है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो जो भी भाई का कुछ भी प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछ सकते हैं, सभी का मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, चूँकि हमारे पास थ्रेसर बहुत दिन से है, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है हमारा, करीब 10 साल का तो एक्सपीरियंस होगा हमारा। तो इससे जो भी हमें बुझाता है वो हम आप लोगों को साथ में शेयर करना चाहते हैं, ताकि हमारे जो भी भाई जो किसान हैं, जो कमाना चाहते हैं, जिनके पास थ्रेसर है, जो कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो मुझे अच्छा लगेगा बताकर, ताकि मेरे वजह से किसी का भी, समझ रहे हैं ना, किसी का भी भला हो जाए, तो मेरे लिए मायने रखता है। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को दिखाएंगे। और ये मेरा जो ट्रैक्टर है, स्वराज 735 है, इस पर हम चला रहे हैं थ्रेसर को। तो जनरली इस पर हम लोग आरपीएम जो होता है 12 के आसपास रखते हैं, और ज़्यादा मतलब होता माल मिले तो इसमें हमको क्या करना होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे करना होता है। और अभी चूँकि हवा जो है पछुआ चल रहा है, तो पछुआ में कहने ही नहीं होता है, पछुआ में बहुत ज़्यादा मतलब सूखा हुआ माल मिलता है, तो इसमें तो फंसने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें माना जाए तो 10 और 12 के बीच में भी आरपीएम रख करके चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ज़्यादा आरपीएम देने से भी माल जो है भूसे के साथ में फेंकने लगता है, क्योंकि देख लीजिए आप लोग एक बार, ये स्वराज का 735 है, आगे से भी फ्रंट। तो वीडियो में बने रहिए, अभी लेबर लोग जो हैं खाना खाने चले गए हैं, चूँकि 9 बज गया है, कुछ माल कटाया है और कुछ बाकी है यहाँ पे, फिर अलग चलेंगे। ये जो गेहूँ आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये 3.5 बीघा का था, अभी 1.5 घंटा थ्रेसर चला है और 1 आध घंटे और लग जाएंगे, मुश्किल से 1 घंटा का और होगा माल ये। और घंटे में माल निकालने की क्षमता इसका है जो 1 से 1.5 बीघा कम से कम निकाल पाता है, कम से कम बोल रहे हैं, निकालने के लिए तो 2 बीघा तक ठेका सकता है, उसके लिए लेबर ज़बरदस्त होना चाहिए, बढ़ियार होना चाहिए। और ये देखिए ट्रैक्टर जो मेरा है, जब चालू होगा तो आरपीएम भी आप लोगों को दिखाएंगे, और सिस्टम क्या क्या है, कितना पे थ्रेसर को सेट किया गया है, वो भी आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, तो वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी न्यू बंदे आते हैं, हमारे भाई आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया क्लच, क्लच लेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा न्यूट्रल पे है, न्यूट्रल से भी पीछे की ओर ढकेलेंगे इसको, तो ये गियर मिलेगा और वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, नचना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए अब देखते हैं कितना आरपीएम पे ये चल रहा है। चलो ये मीटर जो है उसके बारे में बता देते हैं, ये जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है ये तेल का मीटर है, कि आपका तेल कितना है वो ये बता रहा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो है वो टेम्परेचर का है, इंजन आपका कितना गर्म है ठंडा है वो बताता है। और ये थर्ड में जो है ये बैटरी का है, और ये फोर्थ में जो दिख रहा है आप लोगों को आरपीएम दिख रहा है, क्योंकि 12 से नीचे हम रख करके अभी चला रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए भूसा कैसा फेंक रहा है, भूसा बहुत अच्छा फेंक रहा है। और अब आगे चलते हैं, देखिए किस तरह से डाला जाता है हवा डावा में। अभी बोझा ख़त्म हो गया, बोझा आने दीजिए, लेबर कमज़ोर है इसके वजह से थोड़ा धीमा चल रहा है, तो अभी बोझा आ गया है, और देखते हैं कितना कितना माल डाला जा रहा है इसमें,
तो वीडियो में बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो देख सकते हैं लेबर को बोझा लाने में लेट हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा धीमा डाला जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके डाला जा रहा है। नहीं तो एक बोझा में दो बार काफ़ी है, दो बार करके बोझा को ख़त्म कर दिया जाता था पहले, लेकिन लेबर कमज़ोर है इसके वजह से धीमा धीमा चलाना पड़ रहा है। चूँकि हमको तेल का तो है खपत हो रहा है, तेल तो हमारा जल ही रहा है, लेकिन करे तो क्या करें। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं गेहूँ किस प्रकार से दे रहा है, कैसा गेहूँ दे रहा है, साफ है, टूट रहा है या नहीं टूट रहा है, वो दिखाते हैं आप लोगों को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर और साफ गेहूँ गिर रहा है, जैसा लग रहा है सोना है, सोने की तरह देख रहे हैं कितना चमक रहा है, बहुत अच्छा, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल सोना ही सोना है ना, दिख रहा है ना। चलिए एक बार फिर से इसको दिखाते हैं जूम कर, जूम आउट करके देख सकते हैं कितना फ्रेश, एक भी कचरा बिल्कुल फ्रेश देख सकते हैं। चलना भी देखिए कितना स्पीड चलना है, धुआं चलना, धुआं चलने के कारण माल साफ नहीं दे पाता है, तो ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है, ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है। देख लीजिए इतना अभी कटा है, और बाकी तो हम लोग को माल दिखा ही चुके हैं कि अभी कितना बचा हुआ है, जितना कटा जल्दी जल्दी लावा, ठीक है इतना देरी करवा है ना। तो आप लोग कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने भाई को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और किसी तरह चैनल पे बने रहिएगा आप लोग, ताकि नया नया वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी बहुत ज़्यादा माल डाला गया है,